दोस्तों, अगर आप भी एमएस धोनी को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। 7 जुलाई 1981 को रांची में जन्मे धोनी आज 40 साल के हो गए हैं। धोनी की गिनती अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल कप्तानों में होती है। तो वहीं धोनी आईसीसी की सभी 3 ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं। महेंद्र सिंह धोनी के इस जन्मदिन पर देश दुनिया में मौजूद उनके फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं और जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी मौके पर आपको बताते हैं महेंद्र सिंह धोनी के कैरियर से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 1, महेंद्र सिंह धोनी भगवान में गहरी आस्था रखते हैं। धोनी अपने शहर रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर देवड़ी माँ के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। वो भारत की जीत के बाद कई बार उस मंदिर पर दर्शन के लिए जाते रहे हैं। नंबर 2, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान के चमकते सितारा तो हैं ही, इसके अलावा उन्हें फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक है। स्कूल के दिनों में वो गोलकीपर का काम करते थे। इसके साथ ही उन्हें हॉकी खेलना भी पसंद है। नंबर 3, महेंद्र सिंह धोनी को गाने सुनने का भी शौक है। एक रिपोर्ट के अनुसार धोनी के सबसे फेवरेट सिंगर किशोर कुमार हैं। इसके अलावा उन्हें मुकेश कुमार का गाना पल दो पल का शायर हूँ बहुत ही ज्यादा पसंद है। नंबर 4, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के अलावा कार और बाइक्स के बड़े शौकीन हैं। धोनी के रांची स्थित घर पर कार और बाइक्स का कलेक्शन है। इसी कारण से उन्होंने अपने घर पर एक बड़ा गैराज भी बना रखा है। नंबर 5, महेंद्र सिंह धोनी को पालतू जानवरों से काफी लगाव है। धोनी के फार्म हाउस पर कई पालतू जानवर हैं, जिनमें कई तरह के डॉग्स और घोड़े शामिल हैं, जिनके साथ वो अक्सर समय बिताते नजर आते हैं। नंबर 6, धोनी के क्रिकेट सफर में उनके दोस्तों का भी खास योगदान रहा है। शायद यही कारण है कि टीम इंडिया में जगह बनाने के बाद भी धोनी ने कभी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा। धोनी के दोस्त संतोष लाल एक समय एक बीमारी से जूझ रहे थे, तब धोनी ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की थी। यहाँ तक कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली लाने के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई थी। हालांकि इसके बाद भी धोनी अपने दोस्त को नहीं बचा सके। दोस्तों, इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।